हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस केडी। हमने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर पॉलीनोमियल वो एंड कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले मैं सभी स्टूडेंट्सों से ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम मुझे इस क्लास के अकॉर्डिंग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, या फिर मैं तुम्हारे जो डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए मैं तुमसे कोई भी फीस नहीं लेने वाला हूँ। जो भी क्लास चल रही है ऑनलाइन, जितनी भी ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, उनके लिए मैं नहीं कह सकता। पर लेकिन यदि जो ग्रोथ क्लासेस खेडली के जरिए, ठीक है, इस ग्रोथ क्लासेस खेडली के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर जितनी भी वीडियो अपलोड होती है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो तुम्हें कभी भी किसी टाइम देखने को मिल सकती हैं, तुम कभी भी उनको देख सकते हो। उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, ना आज कभी, ना आज इसकी फीस ली जाएगी, ना इसकी फीस दो महीने बाद ली जाएगी, ना पूरे साल बाद ली जाएगी, ठीक है। यदि तुम नहीं देखते हो इस वीडियो को तो भी फीस नहीं है, और देखते हो तो भी फीस नहीं है, तो प्रॉफिट अब तुम्हें सोचना है किस में, वीडियो देखने में है या नहीं देखने में है, ठीक है। यदि तुम इससे बेनिफिट लेते हो तो ये ही मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट है। यदि तुम इसके जरिए कुछ अच्छा सीख पाते हो, कुछ अच्छा कर पाते हो, अपनी मैथ स्ट्रांग कर पाते हो, तो ये ही मेरी फीस है, मुझे इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यदि हम सोचें दूसरे नज़रिए से इसको देखें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ ग्रोथ क्लासेस के लिए का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है। जो लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकता है कि यदि हम इस कोचिंग को अच्छे लेवल पे खोलें तो इसका बेनिफिट हमें मिले, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हमारा कोई पर्पज नहीं है। टोटल क्लासेस फ्री हैं, जितनी भी क्लासेस ग्रोथ क्लासेस फ्रेंडली के अकॉर्डिंग जिस चैनल पर वीडियो मिलती हैं वो सारी टोटली फ्री हैं, ठीक है। आज के लिए चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इससे पहले चैप्टर में, ठीक है, पॉलीनोमियल जो हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं ये चैप्टर उसी से लिंक है, थोड़ा बहुत उसी से लिंक है। अब उसी से लिंक है तो इसका मतलब क्या, वेरिएबल्स उसमें भी पढ़े थे, अच्छा इक्वेशन वर्ड पढ़ा था क्या उसमें, इक्वेशन नहीं पढ़ा था, लीनियर पढ़ा था लीनियर पॉलीनोमियल पढ़ा था ना, ठीक है। अब मैं इन सारे वर्ड्स का मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। इन सारे वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाएगा तो इसका मतलब क्या समझ में आ जाएगा, चैप्टर का नेम समझ में आ जाएगा, चैप्टर समझ में आ जाएगा हमें किस बारे में हमारा चैप्टर है। अच्छा देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा पेयर के बारे में क्या, कौन नहीं जानता पेयर क्या होता है, पेयर क्या होता है, पेयर क्या होता है, पेयर, ठीक है। जब टू कंडीशंस को एक साथ मिला दिया जाएगा, या टू थिंग्स जिनको एक साथ रख दिया जाए, इनको इनका एक कुछ जोड़ा बना दिया जाए, ये पेयर में जोड़ा, ठीक है, इनको क्या बन जाता है, पेयर, ठीक है। पेयर ऑफ मतलब का लीनियर इक्वेशंस, देखो लीनियर का वर्ड का मतलब समझते हैं, लीनियर क्या होता है, लीनियर लीनियर पॉलीनोमियल हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, डिग्री वन होती है, क्या होती है, डिग्री वन होती है, याद करके देखो, जब डिग्री वन थी तो लीनियर पॉलीनोमियल, टू थी तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, थ्री थी तो क्यूबिक पॉलीनोमियल, मतलब लीनियर का मतलब आप जब पॉलीनोमियल था तो लीनियर पॉलीनोमियल, अब इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब समझ में आया। तो लीनियर डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल से कितने भी यूज हो जाए पर डिग्री वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो इस चीज पे हम ध्यान रखेंगे। देखो हमें पेयर का मतलब समझ में आया, दो चीजें मिलने वाली है, समझ में आया नहीं आया पेयर का मतलब, अच्छा इसका मतलब, पेयर का मतलब टू थिंग्स हमें मिलने वाली है, लीनियर का मतलब हमें समझ में आया डिग्री क्या मिलेगी, वन मिलेगी। यदि डिग्री टू मिल जाती है, डिग्री थ्री मिल जाती है, तो वहां कुछ ना कुछ ऐसी हिंट मिलने वाली है जिसके अकॉर्डिंग हम डिग्री वन बना सकते हैं, फिर हमारे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद लीनियर के बारे में समझ में आ गया, ऑफ का मतलब तो तुम्हें आता ही है, इक्वेशन का मतलब हम देखते हैं क्या होता है, इक्वेशन इसको हमें बड़े बारीकी से समझना है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है, अच्छा तुमने एक्सप्रेशन तो पढ़ा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व इट, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको सॉल्व करो तो ये सॉल्व करने लगा है, इसमें ना तो हमें इक्वल का साइन मिलता था, ना कुछ ग्रेटर देन लेस देन मिलता था। इक्वेशन वो होती है जिनमें हमें इक्वल का साइन मिले, क्या मिले, इक्वल का साइन मिले, इस साइड क्या मिले, एल एच एस मिले, इस साइड क्या मिले, आर एच एस। अच्छा किसी बच्चे के मन में कुछ आइडिया आया, सर 5 = 5 बताओ इक्वेशन है कि नहीं, अरे कैसे हो सकती है इक्वेशन, 5 तो 5 के इक्वल ही रहेगा, 5 टाइम लिखो 10 टाइम लिखो 10,
कितने भी टाइम लिख दो, यदि मैं इसी को ये लिख देता हूँ एक्स इक्वल टू फाइव, तो अब ये क्या है, इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन, क्योंकि यहाँ क्या है वेरिएबल, यहाँ क्या है कॉन्स्टेंट। देखो एल एच एस भी होना चाहिए, आर एच एस भी होना चाहिए, जीरो हो जाए एल एच एस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं इसको एक्स इक्वल टू जीरो बोल दूं तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसमें कुछ नहीं था इसलिए जीरो लिखा, और जीरो लिखा तो इसका मतलब आर एच एस को तो हम इंक्लूड करेंगे नहीं, ये तो हट गया, और हट गया तो ये इक्वेशन नहीं है। ऐसा नहीं है, इसमें x की वैल्यू जीरो डिनोट कर दी गई है। क्या कर दी गई है, x की वैल्यू को जीरो बोल दिया गया है। तो x की वैल्यू जीरो हो गई तो इक्वल का साइन क्या शो कर रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल है, जहां कहीं x यूज होगा वहां हम जीरो यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है? कर सकते हैं। इसके अलावा ये इक्वल का साइन क्या शो कर रहा है, एक साइड एल एच एस है एक साइड आर एच एस है। इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा इक्वेशन के अंदर वेरिएबल भी होना चाहिए और कॉन्स्टेंट भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वेरिएबल भी होना चाहिए कॉन्स्टेंट भी होना चाहिए तब जाके, और एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। मतलब ये वेरिएबल कॉन्स्टेंट किस फॉर्म में आ गया, एलजेब्रिक फॉर्म में आ गया, आया नहीं आया, एलजेब्रिक फॉर्म में। यदि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिखा हुआ है तो वो क्या है, इक्वेशन है। यदि मैंने लिखा 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, क्या ये इक्वेशन है, नहीं ये इक्वेशन नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है, ये सिर्फ हमने इस स्टेप को ये बना के लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ, ठीक है। इतना सॉल्व हो गया, इतना सॉल्व होने के बाद अब हमें देखो इतना समझ में आने के बाद इक्वेशन का मतलब समझ में आ जाना चाहिए, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। अच्छा इक्वेशन मैंने लिख दी, क्या होता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस की फॉर्म होनी चाहिए और साथ में एलजेब्रिक फॉर्म होनी चाहिए, एलजेब्रिक फॉर्म के साथ एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए। इनका मतलब में, टू का मतलब टू, वेरिएबल्स का मतलब जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं वो टू होने चाहिए, टू से ज्यादा नहीं होने चाहिए चैप्टर के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने एक्स वाई यूज कर लिया हो गए टू, यदि मैंने बाई जेड यूज कर लिया, यू बी यूज कर लिया, पी क्यू यूज कर लिया, कोई भी टू वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, और जैसे ही टू वेरिएबल यूज करेंगे तो चैप्टर का नाम बन जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस का पेयर। अच्छा देखते हैं, देखो टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस बनाते हैं। एक तो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और एक लिखी मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स, और दोनों का क्या बन गया, पेयर बन गया, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, टू 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 थिंग्स, यहाँ टू चीज थी तो ठीक है, मतलब टू इक्वेशन हो गए, टू इक्वेशन क्या बन गया, पेयर बन गया। अब इनको सॉल्व करना हमें सीखना है, सॉल्व करने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उन वेरिएबल्स का, उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। अच्छा वैल्यू हम निकालेंगे, वैल्यू हम बाद में निकालेंगे, पहले नाइन्थ क्लास में पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा रिवर्स में जाता है, और लिख दिया मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो क्या x और y की वैल्यू बता सकता है। मैंने एक बच्चे को पूछ लिया और एक बच्चे से बोल दिया कि यदि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि y की वैल्यू 0 है तो बताओ x की क्या होगी, कोई भी बता दे कि x की 10 होगी, यदि y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू 9 होगी, दोनों का सम 9 10 10 होना चाहिए ना, y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 8 होगी, ऐसे। तो जब जब y की वैल्यू बदलेगी तब तब x की वैल्यू बदलेगी, जब जब y की वैल्यू बदलेगी तब तब x की वैल्यू बदलेगी, लेकिन पेयर में ऐसा नहीं होता, एक इक्वेशन से ऐसा होता है इसलिए कंफर्म सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। और यदि हमें टू वेरिएबल्स इक्वेशन में टू वेरिएबल्स की इक्वेशंस के लिए टू इक्वेशन ही हमें मिल जाए तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमें मिलेगी। एक वैल्यू मैंने ली y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 7, नेक्स्ट वैल्यू। अच्छा मैंने इससे आंसर निकाला है, इसमें पुट करके देख रहे हैं, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, 10 माइनस 0 क्या 4 आएगा, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो मतलब ये आंसर कैंसिल। अच्छा y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 1 क्या हुआ 8, ये भी नहीं आ सकता। अच्छा 8 माइनस 2 6, ये भी नहीं आ सकता। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, माइनस हो रहा है क्या आंसर आ रहा है 5, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएंगे, x की वैल्यू 7 आ जाएगी
और वाई के इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये कब हुआ, हमने इससे कई सारे सॉल्यूशन निकाले और इसको वेरीफाई कर लिया। यदि ये वेरीफाई हो गया तो वो आंसर फिक्स हो गए इस इक्वेशन के लिए भी इस इक्वेशन के लिए भी। ये ऐसे आंसर्स हैं जो इसको भी वेरीफाइड करेंगे इसको भी वेरीफाइड करेंगे। ऐसे तो हम कब तक करेंगे, ऐसे सपोज करो यहाँ तो बहुत सारा कोई बड़ा सा नंबर होता और हम ऐसे करते करते तो पूरा बोर्ड फिल कर देते, पूरी नोटबुक फिल कर देंगे और तो और कई सारी नोटबुक मंगवा लेंगे वो भी फिल कर देंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन का पता ही नहीं चलेगा। तो इन सॉल्यूशंस का पता करने के लिए हमारे पास यहाँ 4 मेथड्स हैं। कौन कितने मेथड्स, 4 मेथड्स, कितने मेथड हैं, 4 मेथड। और सबसे पहले जो मेथड आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले जो मेथड आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब देखो इस मेथड के बारे में थोड़ा सा हम वापस इधर जाएंगे, पर लेकिन इससे पहले छोटी सी चीज एक सीख लेते हैं। जब हमने 2 इक्वेशंस को लिखा, ठीक है, और इनसे सॉल्यूशन निकल के आया, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन निकलने के लिए हो सकता है 1 सॉल्यूशन आया ओनली, हो सकता है नहीं आए, हो सकता है कि सिर्फ 1 सॉल्यूशन आए कि इनके अलावा, इसके अलावा तो कोई और सॉल्यूशन निकलेगा नहीं जैसे अभी इक्वेशन में निकला, ठीक है। और 1 सॉल्यूशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोल सकते हैं यूनिक, मतलब इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ ये अकेला अकेला है। 2 नो सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और 3 मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन भी आ सकता है, आ सकते हैं नहीं आ सकते, जब एक सिंगल इक्वेशन के लिए कई सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 के लिए भी आ सकते हैं, आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। जब 1 सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन मतलब हम कितने को खुद का भी सॉल्व कर ले वो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं उनका, अच्छा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं जाने दो उन्हें। मैनी सॉल्यूशन इसका मतलब कई सारे सॉल्यूशन आने वाले हैं, ठीक है, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कौन सा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट कंफर्म। लेकिन हम कहेंगे कि ये वैल्यू भी इनके साथ इंक्लूड है, चलो ठीक है ये भी है। दूसरा आया उसने कहा सर ये है, तो ठीक है ये भी है। तीसरा आया उसने कहा सर ये भी है, ठीक है ये भी है। तो इसका मतलब कई सारे सॉल्यूशन हो गए जो वेरीफाइड कर रहा है कंफर्म, तो पता ही नहीं चल पाए तो मैनी सॉल्यूशन। अब मैंने इन 3 सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कैसे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, किस किस में डिवाइड कर दिया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब कम से कम 1 सॉल्यूशन हो, जब इक्वेशन जो है सिस्टम जो है जो लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है इसको जो पेयर बोलते हैं ना क्वेश्चन में ऐसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम मतलब लीनियर इक्वेशंस का साथ होना, सिमल्टेनियस मतलब साथ होना, सिमल्टेनियस, ठीक है, इसको हम साथ बोलेंगे, मतलब साथ साथ जब इक्वेशंस होगी तो इसका मतलब एक पेयर बनेगा और पेयर बनेगा तो उस पेयर के सॉल्यूशन निकलेंगे, और सॉल्यूशन यदि हमने कम से कम 1 सॉल्यूशन भी हमें मिल जाए तो वो कौन सा होगा, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, क्या आया कंसिस्टेंट में, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन देन इट काउंट इन कंसिस्टेंट, मतलब ये कंसिस्टेंट के अंदर आता है। और यदि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है तो कौन से अंदर आ जाता है, इनकंसिस्टेंट, किस में आ जाता है, अच्छा मैनी सॉल्यूशन का किस में आएगा, मैंने कहा कम से कम एक सॉल्यूशन, मतलब ज्यादा तो आ ही सकते हैं, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी में हमने ये चीजें हम पढ़ते हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट कम से कम ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम जब 1 सॉल्यूशन आ सकता है तो ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं 3 आ सकते हैं 4 आ सकते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये इसी के अंदर आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन के अंदर कंसिस्टेंट में। अब कंसिस्टेंट में मैनी सॉल्यूशन आ तो जाएगा, हम डेफिनेशन में ये बोलेंगे कि इट हैज एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, हम ये नहीं बोल सकते कि मैनी सॉल्यूशन वाला कंसिस्टेंट है, हम मानते हैं, पर लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है, ये समझ में आ गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होगा। अच्छा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बाद आ जाते हैं हम हमारे ग्राफिकल मेथड पर, इनको ऐसे जो मैंने समझाया है चैप्टर के नेम के छोड़ के बाकी सब ये जो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस के बारे में ऐसे सब कुछ वहां डिनोट कर लेना जिससे तुम्हें समझ में आ जाए इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। अच्छा ग्राफिकल मेथड, अच्छा ग्राफिकल मेथड से हमें कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा कि
क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ग्राफ बनेगा ऐसे तो कुछ लग रहा है। अच्छा ग्राफिकल मेथड के लिए हम बाद की बात करेंगे, पहले मैंने वही इक्वेशन से लिख ली जो अभी मैंने लिखी, एक्स वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसके आंसर्स भी हमने पता कर ली थी, एक्स इक्वल टू सेवन वाई इक्वल टू थ्री, इनके आंसर्स आ गए थे। ठीक है, अब किसी भी मेथड को क्यों ना यूज करें, हम सारे मेथड्सों से यही आंसर्स आने चाहिए, ये भी फिक्स है। अच्छा चलो ये फिक्स है, इसके साथ साथ देखो इसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे सॉल्यूशन चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब हम ग्राफ डिनोट करते हैं तो यहाँ टू एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, यदि इनके नेम बदल जाते पी और क्यू बन जाते, तो इन एक्सिस पे हम एक साइड पी कर देते एक साइड क्यू कर देते, इनके नंबर्स भी हम डिनोट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 जो भी हम करेंगे, 7 3 हमारे सॉल्यूशन आने वाले हैं, ये बात की बात है। अब ग्राफिकल मेथड का जो सॉल्यूशन है मैं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा ग्राफ के बारे में। ठीक है, ग्राफ के बारे में, इस ग्राफ को जब हम डिनोट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, सपोज करो ये तुम्हारी नोटबुक का एक पेज है, ठीक है नोटबुक का पेज है, नोटबुक के पेज में जब तुम एक प्लस साइन डिनोट करोगे, ठीक है प्लस साइन डिनोट करने के बाद इन्हीं कॉर्नर्स पर तुम्हें एरो लगाने हैं। इन एरो का मतलब किसी को समझ में आता है, जब हम लाइन एंड एंगल्स पढ़ते हैं तो लाइन में जब एरो लगा हुआ होता है तो उसका मतलब उस लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये लाइन कितना भी एक्सटेंड हो सकती है, इधर हो सकती है, ये इधर हो सकती है, लेकिन हमारे ग्राफ जो नोटबुक है उसका जो पेज है वो इतना था तो हमने इतना ही इसमें बनाया। ठीक है, आगे था आगे होता तो हम इसको और आगे बना देते। अच्छा ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है ओरिजिन। यदि किसी को इसके बारे में समझ में नहीं आता तो मैं क्लास 9 के लिए एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है वो पढ़ाने वाला हूँ कुछ टाइम बाद, तो उसको तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन बोल दिया। ठीक है, ओरिजिन क्या कोऑर्डिनेट होते हैं इसके, 0,0 जो सबसे पहले लिखी हुई होती है वो एक्स की वैल्यू, जो बाद में लिखी हुई होती है वाई की वैल्यू, ये इधर एक्स इधर एक्स डैश इधर वाई इधर वाई डैश, एक्स का मतलब पॉजिटिव साइड वाई का मतलब पॉजिटिव साइड एक्स डैश का मतलब नेगेटिव साइड वाई डैश का मतलब नेगेटिव साइड। अच्छा एक्स की पहली वैल्यू यहाँ 0 वाई की वैल्यू 0 तो इंटरसेक्शन पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्या हो गया 0,0 समझ में आ गया। इन पॉइंट यहाँ से जो हम एक्स वाई के लिए जो कई सारे पॉइंट्स हम निकालने वाले हैं, देखो इसके लिए कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके लिए कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम इसकी भी एक टेबल बनाएंगे जो 9th क्लास में भी बनाते थे, इसके लिए भी हम एक टेबल बनाएंगे एक्स वाई यहाँ हम 3 वैल्यूज मैंने ले ली। ठीक है 3 या 4 मैंने 4 ले ली मैंने तो ठीक है, कितने भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं 2 मत लेना, हो सकता है 2 में एक इक्वेशन एक पॉइंट भी यदि तुम्हारा गलत आ गया ना, तो जैसे मान लो एक पॉइंट तो तुम्हारा सही आया और एक पॉइंट यहाँ आना तो ठीक है और आ गया यहाँ तुम्हारी लाइन ऐसे बन जाएगी बनेगी नहीं बनेगी, और इससे थर्ड पॉइंट हमारे डिनोट करवा देगा कि थर्ड पॉइंट यदि यहाँ आ गया तो हम यहाँ तो इसको चेक करेंगे इसको चेक करेंगे एक बार चेक तो कर लेंगे, तो इसलिए हमें 2 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट कैलकुलेट करने चाहिए। ठीक है, अच्छा 3-4 पॉइंट मैं के लिए मैंने बात की, अब 4 पॉइंटों को मैं डिनोट तो करूंगा कहीं ना कहीं, और डिनोट करने से पहले भी पॉइंट ऐसे हैं कि हमने जो यहाँ मार्क किए हैं उनमें है ही नहीं, तो क्या करें ऐसे 1 2 3 4 मार्क पहले करने से पहले इनमें देख लेना चाहिए हमें एक्स एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर हमें क्या चाहिए और वाई एक्सिस पे सबसे बड़ा नंबर हमें क्या चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे बड़ा नंबर मैं सोच रहा हूँ 10 चाहिए और हमारे पास लाइन है 7, तो मुझे जो 7 लाइन मतलब ये जो ब्लॉक बने हुए होते हैं ना, होते नहीं होते ये ब्लॉक, ये 1 2 3 4 5 6 है मेरे पास, ठीक है नहीं है मेरे पास 10, तो मैं क्या करूँगा मैं राइट साइड में ऊपर की तरफ यहाँ हेडिंग डालूंगा स्केल, क्या हेडिंग डालूंगा स्केल, स्केल डालने के बाद यहां मैं लिखूंगा ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 2 के इक्वल ले लें। ठीक है, अब 2 यहां कोई किसी चीज का नाम नेम तो दिया हुआ नहीं है, पर्सन है या फिर
कि वेट है या वो है क्या है कुछ नहीं पता हमें, तो हम छोड़ देंगे ऑन वाई एक्सिस। और यहाँ मुझे चाहिए 7 और यहाँ मेरे पास है 14 लाइन, तो 14 है और 7 चाहिए, तो 1 ब्लॉक की क्यों ना लिख चले हम, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ मैं डिनोट करूंगा 2 4 6 8 10 आ गया मेरा 10 आ गया, और इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से डिनोट हो जाएगा। ये जो सिस्टम होता है, हम जो ये जो ब्लॉक छोड़ते हैं, ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है, और 1 सेंटीमीटर के इंटरवेल में हम जब कोई नंबर की लिस्ट बना देते हैं, कोई नंबर काउंटिंग लिख देते हैं, कोई भी एक सिस्टम बना देते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम के बाद ये कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिए, नंबर्स को डिनोट कर दिए। अब इस ग्राफ के अंदर जो हमारी लाइंस हैं वो कैसे कैसे आ सकती हैं, ठीक है, देखो इसको मैंने इरेज किया, इस कार्टेशियन सिस्टम में बनाने के बाद, स्केल बनाने के बाद हम इन पॉइंट्सों को डिनोट करेंगे। देखो इस पॉइंट के नेम के लिए हमने पी क्यू आर एस लिखा, इसके लिए मैंने ए बी सी डी लिखा, ठीक है, लिख दिया। अब पी क्यू आर एस से बनी हुई एक लाइन, ए बी सी डी को ज्वाइन करने से बनी हुई एक लाइन, और ये एक लाइन कुछ इस तरीके से हमें मिलती है, देखो इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, एक लाइन ऐसे बन गई, एक लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, कौन सी थी, फर्स्ट वाली, अभी मुझे पता नहीं है ये ऐसे बनेगी, हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो इस लाइन पे यार यदि हमें इधर स्पेस दिख रहा है तो इधर, और उधर स्पेस दिख रहा है तो इधर, लाइन के किसी भी एंड पे, ठीक है, किसी भी साइड पे हमें ब्रैकेट के अंदर उस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में हमें इक्वेशन क्वेश्चन में दी गई है, जिस फॉर्म की इक्वेशन, जो इक्वेशन की जो फॉर्म है वो क्वेश्चन में जो तुम्हें दी गई है। यदि क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे मिलता ना ये टेन माइनस वाई, और उसके बाद हम एडिटिंग कर रहे होते हैं इसकी, तो वो एडिटिंग काम नहीं आती, वो क्या काम आता, ये काम आता, ठीक है, हमें यही लिखना होता एक्स इक्वल टू 10 by 10 minus y, ये हमें लिखना होता, ठीक है। इसके बाद ये इक्वेशन हो गई, अब दूसरी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। ये देखो, अब ये जो दूसरी सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन हो सकता है इसको कट कर दे, ऐसे कट कर सकती है ना, चलो नहीं भी करे, सपोज करो यदि कट कर दी थी तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आ जाता x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाता, हमारा काम आसान हो जाता, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता इसका सॉल्यूशन हो जाता। अब इंटरसेक्शन पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे, इसको हम x पे लेके जाते हैं, इस पॉइंट की लाइन जो जहां ये कट कर रहा है वो x पे कौन सा पॉइंट है, और ये जो यहाँ कट कर रहा है वो y पे कौन सा पॉइंट है, जो x पे कट करेगा वो x की वैल्यू, जो y पे कट करेगा वो y की वैल्यू, ये तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाता। अब सपोज करो, अब जब इंटरसेक्शन करता तो कोई और सॉल्यूशन निकल सकता था, कि जब मैं कह रहा हूँ इंटरसेक्ट, जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है वही सॉल्यूशन होता है, और वही सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब एक वन से ज्यादा सॉल्यूशन तो नहीं निकलेंगे, अकेला ही सॉल्यूशन निकलेगा, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, यूनिक के सॉल्यूशन बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, अच्छा यूनिक के सॉल्यूशन हम बोलते हैं। इसके अलावा इस लाइन को मैंने इरेज कर दिया, ये लाइन हमें नहीं लगाती है, ऐसे आने वाली थी, और हम भी मुझे लगा ये लाइन ऐसे ना आके ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल आएगी, इसके आएगी इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल आ रही है। अब इस लाइन को मैंने बहुत आगे तक बढ़ाया, इस लाइन को मैंने बहुत आगे तक बढ़ाया, दोनों साइड बढ़ा दिया, और फिर भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे, और कट नहीं कर, ऐसा नहीं है कि जैसे तुम्हारे ग्राफ में एक लाइन इधर से आई एक लाइन इधर से आई, सर मैंने पूरा ग्राफ का पेज खत्म हो गया, ग्राफ का पेज इतना सा ही था, ग्राफ का पेज इतना सा था, यहाँ तक तो कट हुई नहीं, तो इसका मतलब ये पहला है, अरे तुम्हें दिख रहा है, और ग्राफ के बाहर जाके कहीं ना कहीं तो कटेंगे, तो ग्राफ का स्केल इस तरीके का लेके चलो कि ये पॉइंट यहीं आ जाए, कहीं यही कट हो जाए, ठीक है। तो अब यदि ग्राफ में तुम्हें दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन तो देखना सब जानते हैं ना, अच्छा पैरेलल लाइन देखना सब जानते हैं, और पैरेलल लाइन इस तरीके से आ जाए तो इसका मतलब यहाँ ना तो लाइन ने इंटरसेक्ट किया है और ना इसके सॉल्यूशन होंगे, तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, अच्छा नो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी तो वन सॉल्यूशन, यूनिक केस सॉल्यूशन, जब नहीं कर रही थी तो नो सॉल्यूशन, अच्छा ये थर्ड केस और था मैनी सॉल्यूशन का, उसमें क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, दो ही केस होता है, थर्ड केस ऐसा होता है कि लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाती है, जैसे ओवरलैप हो जाता है, कैसे हो जाता है, जैसे एक लाइन में यहां बन गई, सपोज करो
ये लाइन जो बनानी थी तुमने इस तरीके के पॉइंट लिए कि ये यहां तक बनी, ठीक है, तुमने इसको बढ़ाया नहीं, बढ़ाया तो बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाया तो नहीं बढ़ाया, दूसरी लाइन आप तुम्हारी ऐसे आ गई, और तुमने यदि बढ़ा दिया होते तो इन्हीं के ऊपर लाइन आ जाती अपने आप। यदि तुम इसको एक्सटेंड करते हो और ये लाइन के ऊपर लाइन ओवरलेप करने लग जाती है, एक्सटेंड करने पर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है, तो देखो एक लाइन दूसरी लाइन को कितनी सारी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये यदि इसी के ऊपर मैं बना हुआ तो देखो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है नहीं कर रही, और जितना हम एक्सटेंड करेंगे उतना करेगी, तो इसका मतलब हर पॉइंट, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, दूसरे पे भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए देखो इतना हमें समझ में आ गया कि अभी इसके बारे में लिख लेते हैं ग्राफिकल मेथड में जो जो कंडीशन होने वाली है, उन कंडीशंस के बारे में जरा जरा सा लिख लेते हैं, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जब हमें मिलेगी तो क्या होगा, यूनिक के सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, यूनिक के सॉल्यूशन होगा। अच्छा, यदि लाइन पैरेलल होगी तो, पैरेलल होगी तो हमें पैरेलल लाइंस में क्या मिलेगा, यहाँ लिख देता हूँ लाइंस इज इक्वल टू नो सॉल्यूशन, क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशंस। यदि कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस हमें यदि मिल जाए तो इन लाइंस के लिए सॉल्यूशन क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। इसका मतलब अब हम देख सकते हैं कि यदि इस इधर से उधर यदि लाइंस तो हमें मिलती है इंटरसेक्टिंग लाइन तो हम बोलेंगे यूनिक के सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन तो नो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन तो मैनी सॉल्यूशन। यदि तुमसे कहा जाए कि मैनी सॉल्यूशंस तुम्हारा रिजल्ट आता है तो ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन होगी नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद तुमसे पूछा जाए कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देन दिस लाइन ग्राफ विल बी एज ए पैरेलल लाइंस। यूनिक के सॉल्यूशन यदि सॉल्यूशन तुम्हें मिलता है तो कैसा ग्राफ होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ होगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हमें x प्लस वाई और x प्लस टेन के लिए सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ये तुम खुद ग्राफ बनाओगे और मुझे जहां तक है ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सारे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं कि उनका ग्राफ कैसे बनाए, ठीक है। अच्छा, ग्राफ यदि किसी के पास नहीं है तो जल्द से जल्द अरेंज कर लें, ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन कम से कम इतने ग्राफ चाहिए तुम्हें, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 7 से 8 ग्राफ तुम्हें चाहिए चाहिए, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए और कुछ मेरे कुछ क्वेश्चन के लिए, इससे ज्यादा की नीड अभी नहीं होगी, ठीक है, 7-8 तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कई सारे मेथड आएंगे आगे, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम क्वेश्चनों को ग्राफिकल मेथड से ना करके दूसरे मेथड से कर लेंगे, पर लेकिन जिन क्वेश्चनों में ग्राफिकल मेथड कंपलसरी है करना कि लिख दिया जाएगा बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो उन्हें ग्राफिकल मेथड से ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहाँ से टेक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्लास 9th में यदि तुम्हें ये इक्वेशन मिलती तो तुम इसकी सॉल्यूशन निकाल लेते ना, एट वाई इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 9 इस तरीके से निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन एक टेबल मैंने बनाया और इसमें एक्स वाई लिखा और यहाँ मैंने 3 सॉल्यूशन इसके लिखे, ठीक है, 3 सॉल्यूशन कैसे, कुछ मैंने सॉल्यूशन ऐसे लिखे, 2 लिखा एक तो जिसमें इसमें 8 आ गया, ठीक है, इसमें मैंने 4 लिखा इसमें 6 आ गया, इसमें मैंने 6 लिखा इसमें 4 आ गया, ठीक है, हो गया ना 10। जब वक्त में कर लेंगे हम सॉल्यूशन, रफ में निकाल लेंगे और इसमें कर लेंगे। अच्छा, अब नाउ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए क्या सॉल्यूशन हुए, एक्स वाई, देखो एक्स की वैल्यू में से वाई की वैल्यू मैं पॉजिटिव नंबर ले लेता हूँ, नेगेटिव लेने का मुझे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, जितना सॉल्यूशन जितना आसान होंगे बहुत अच्छा है। यदि मैंने इसको मैंने लिया एक्स की वैल्यू को 8 और इसको लिया मैंने
तो 8 इसको लूंगा तो कितना सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 4, तभी तो 4 आएगा। अच्छा मैंने 6 लिया तो 2 सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तब 4 आएगा, और इधर से मैंने 4 लिया तो y को तो 0 ही देना पड़ेगा, ठीक है ऐसा हो जाएगा। अब इन इनको ग्राफ में डिनोट करना है, ठीक है x इधर लिया, y इधर लिया, अब तुम्हें दिख रहा सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इस ग्राफ को थोड़ा सा हम कैसे बना सकते हैं, जैसे ये तुम्हारा पेज है इसमें प्लस साइन यहाँ बीच में ना बना के हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो हमें इधर वाले नंबर्स की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, हमें क्या पड़ेगा इधर भी इधर कई सारे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, इधर कई सारे नंबर्स, और हमारा स्केल में क्या रह सकता है वन ब्लॉक इज इक्वल टू वन ब्लॉक इज इक्वल टू, दोनों एक्सिस के लिए क्या रह सकता है वन ब्लॉक इज इक्वल टू वन ब्लॉक इज इक्वल टू, यहाँ तुम्हें क्या लिखना है स्केल लिखना है, ठीक है सबको एक ग्राफ बनाना है इस ग्राफ के इन्हीं सॉल्यूशन के साथ, इसका ग्राफ मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बना के बताने वाला हूँ, ठीक है, और यहाँ तुम्हें ग्राफ पहले बना हुआ दिखेगा, उस बना हुए ग्राफ में मैं तुम्हें हर चीज़ को डिनोट करवाऊंगा, हर चीज़ को उसमें समझाने वाला हूँ, तो ठीक है नेक्स्ट क्लास के लिए जाने, जिसको आता है ग्राफ बनाना वो उस ग्राफ को कंप्लीट बना के रखे और चेक करना कि जो मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है या नहीं है, उसके जैसा कितना परसेंट मैच करता है कितना परसेंट नहीं करता है। तो आज के लिए इतना ही, हम ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं आज उसकी 16 नंबर की क्लास है, मतलब डे कौन सा दिन कौन सा है 16वां नंबर, ठीक है 16th नंबर की क्लास, मतलब हाफ मंथ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है अब 16 नंबर की क्लास है, ये तुम्हें आगे वीडियो में लिखा हुआ मिला करेगा आज से कि कौन सा डे है कौन से दिन पे हम पहुँच गए कौन से दिन हमने, और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डाउट्स आते हैं तुम ग्रुप में भेजते हो, तो यदि तुम उसके साथ मुझे ये भी लिख के भेजो कि तुमने कौन सी वीडियो देखने के बाद तुम्हें ये डाउट आया, जैसे वीडियो 7 देखा तुमने, ठीक है वीडियो 7 डे से 17, ठीक है ऐसे कुछ करके जो भी आता है उसका हमें रिव्यू जिससे मुझे मिलता रहे कि तुमने कितनी वीडियो तक कंप्लीट कर लिया है, कितनी कहाँ तक तुम आगे तक पहुँच चुके हो, ठीक है। और सबसे मैं फिर से वही कहना चाहूँगा, इसके अलावा 3 मेथड्स हैं वो बाद में पढ़ेंगे, मैंने आज के लिए बोला हुआ था कि सारे स्टूडेंट्स जो मंडे की क्लास में तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले थे वेनसडे को 7 AM तक कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे, आज वेनसडे है और 7 AM तक तुम्हें सबको सॉरी AM नहीं PM शाम को शाम तक, ठीक है 7 PM तक तुम्हें सबको जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनके आंसर्स उनके सॉल्यूशंस PDF बना के या इमेज क्लिक करके पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है आज का दिन लास्ट है, आज के 7 PM के बाद जिसका भी आता है उनके सॉल्यूशन मैं चेक नहीं करूँगा, उनके मैं साइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी अब जो मैंने तुम्हें आज पढ़ाया इससे आगे का मैटर करने के लिए भी टाइम चाहिए, ठीक है तो इसका मैं तुम्हारा मैटर भी तैयार करना है, क्लास 9th का भी करना है, कुछ अपनी स्टडी भी करनी है, तो मेरे को बहुत टाइम चाहिए, तो इसके लिए तुम जितने टाइम से पहले मुझे करके दोगे उतना टाइम अच्छा है। मैं वन डे तुम्हारे लिए लूँगा, थर्सडे तक मैं ये चेक कर लूँगा, ठीक है और फ्राइडे या फिर सैटरडे वाली क्लास में तुम्हें इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने बच्चों ने यहाँ मुझे वर्क ये सबमिट कराया है और कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू सो मच।